इतनी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी, बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लग। बॉलीवुड में गब्बर से लेकर मोगेम्बो और शाकाल तक कई ऐसे विलन के किरदार हुए हैं जिन्हें आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इन्हीं में से एक एक्टर रामी रेड्डी, जिनकी दहशत लोगों के दिलों में आज भी कायम है। रामी रेड्डी को उनके क्रूर किरदारों के लिए जाना जाता है, पर चाहे 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा में कर्नल चिकारा का रोल हो या प्रतिबंध में अन्ना का, रामी विलन के किरदार में जान डाल देते थे। 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और अपार सफलता हासिल की, लेकिन सबको अपने खूंखार किरदार से डराने वाले इस अभिनेता की इतनी दर्दनाक मौत हुई जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको खलनायक की दर्दनाक मौत के बारे में बताने वाले हैं। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगा सानी रामी रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित वाल्मीकिपुरम गांव में उनका जन्म हुआ था। रामी रेड्डी ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जर्नलिज्म की डिग्री ली। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद के मशहूर अखबार मुंसिफ डेली के लिए काफ़ी वक्त तक बतौर पत्रकार काम भी किया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन जब हिंदी फिल्मों में ऑफर मिलने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसमें भी किस्मत आजमाई जाए। बस फिर क्या था, रामी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी राज करने लगे। कि विलन की एक्टिंग का आतंक इस कदर फैल रहा था कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलन समझने लगे और उनसे डरने लगे। रामी रेड्डी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, वक्त हमारा, ऐलान, दिलवाले, गद्दार, रक्षक, आंदोलन, हकीकत, आगरा, रंगबाज, कालिया, लोहा, चांडाल, हत्यारा, गुरबानिया और क्रोध जैसी फिल्में प्रमुख हैं। संजय दत्त और गोविंदा की फिल्म आंदोलन में उनके द्वारा निभाया गया बाबा नायक का किरदार आज भी लोगों को अच्छी तरह याद है। बाबा नायक के किरदार में रामी रेड्डी ने जान डाल दी थी। साल 2000 के बाद लिवर की बीमारी के चलते रामी का ज़्यादा वक्त घर पर ही बीतता था और धीरे धीरे वो पब्लिक में जाने से बचने लगे। हालांकि एक बार वो एक इवेंट में नजर आए थे जहां उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। दरअसल रामी उस दौर काफ़ी कमज़ोर और दुबले पतले नज़र आए थे जब वो एक तेलुगु अवार्ड फंक्शन में पहुंचे थे। उन्हें देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे रामी रेड्डी हैं जो फिल्मों में काम कर चुके हैं। रामी को लिवर के बाद किडनी बीमारी ने घेर लिया था, वजह से मौत से पहले वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि आखिरी वक्त में उन्हें कैंसर भी हो गया था। कुछ महीने तक इलाज चलने के बाद 14 अप्रैल 2011 को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया था। बाकी है आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके किरदार को आज भी कोई नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों, आपको इनकी दर्दनाक भरी कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।